चलिए दिखाते हैं हम आपको ऑटोमेटिक डेटा एंट्री करने पे वो डुप्लीकेट एंट्री कैसे आता है। कोई भी, जैसे सपोज हम यहाँ पे बैच नंबर टाइप करेंगे तो वो एक बैच नंबर दो बार नहीं होना चाहिए। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, सबसे पहले क्या करते हैं हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको जितना भी लेना है वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, डेटा में जाइए, ठीक है। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाइए। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे कस्टम दीजिए, कस्टम। वहाँ पे कस्टम में जाने के बाद काउंटिव का फॉर्मूला लगाइए, CoUNTIF काउंटिव। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, कहाँ से, यहाँ से, कहाँ से लेना है आपको, जहाँ से मर्जी, जिधर तक आपको चाह रहे, यहाँ से मतलब जितना आपका लंबा है वहाँ तक आप ले सकते हैं। उसके बाद A4 से इसको लॉक कर दिए, ठीक है। फिर कॉमा दिए, फिर कहाँ से लिए, पहला लेटर, पहला जो रहेगा वो। उसके बाद ब्रैकेट यहाँ से बंद कर दिया। उसके बाद इक्वल टू देंगे, 1 देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज यहाँ से आप दे सकते हैं, एरर अलर्ट में प्लीज यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज डुप्लीकेट आईडी, दिस इज डुप्लीकेट आईडी। अब यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए, सपोज मान के चलिए यहाँ पे हम 1 2 टाइप किया, ले लिया, फिर 1 2 टाइप किया, देखिए दिस इज डुप्लीकेट आईडी, देख रहे ना, ये आपको आ रहा है दिस इज डुप्लीकेट आईडी। फिर अगर हम देखिए यहाँ पे 2526 टाइप किया, ले लिया, फिर 2526 टाइप करें, दिस इज डुप्लीकेट आईडी, ये आपको मैसेज दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अगर बैच नंबर कंपनी में, बहुत सारे कंपनी में एम्प्लॉई आईडी से निकाला जाता है, एम्प्लॉई आईडी रहता है, तो इसमें ये फॉर्मूला लगा देने पे एक सेम एम्प्लॉई आईडी दो बार नहीं मिल सकता है। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा कर रखिए, उसमें कोई भी डुप्लीकेट आईडी नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।